ਵਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵਸੀਮ ਬਾਦਾਮੀ ਯੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੇ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ और ये है भारत। तो इस एतबार से हम दुनिया के एक बहुत ही तारीखी, एक बहुत ही अपनी नौयत के मुनफरद मकाम पे हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ हम लिटरली दो मुल्कों के संगम पर, जहाँ और वो दो मुल्क भी ऐसे जिनकी अपनी अपनी, जाहिर आप जानते हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री है, पूरे के पूरा अपना एक पास्ट है। तो उस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर हमारे होने की खास वजह है। लेकिन पहले सिर्फ इस मकाम से आपको हम एक इस तारीखी मकाम से ज़रा सी आगही दे दें कि ये आप पहले देख लीजिए कि ये सरहद के इस पार, जाहिर है, ये सारे भारतीय शहरी और भारत की सिक्योरिटी के अपराध खड़े हैं, जो कि लिटरली इतने डिस्टेंस पर हैं कि मतलब अभी जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये सब यहाँ बहुत आराम से सुन पा रहे हैं। बल्कि कुछ लोग अपनी मुस्कुराहटों के जरिए, कुछ अपनी दीगर एक्सप्रेशन के जरिए उसको रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा भारतीय इलाका है, जहाँ पर मुझे यहाँ से तहरीर वेलकम टू इंडिया भी नज़र आ रही है और सामने मुझे वो तहरीर वेलकम टू पाकिस्तान भी नज़र आ रही है। लेकिन ये मकाम जो इतना तारीखी है, ये सिर्फ इस वजह से तारीखी नहीं है जो कि मैंने आपको अभी बताया है, बल्कि इसके तारीखी होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ मेरे बिल्कुल सामने, जो कभी आपको दिखाएंगे भी, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो प्रिसाइसली इस मकाम से 4.5 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिख मज़हब, जिसके जाहिर है मानने वाले दुनिया भर में बड़ी तादाद में हैं। पड़ोस मुल्क में भारत में 2 करोड़ से ज़ायद तादाद में जिस मज़हब के मानने वाले हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 हज़ार है। सिख मज़हब के बानी का, अगर हम अपने अल्फाज में कहें, उनके ज़ाहिर है वो एतिकाद के एतबार से वो डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका एक ये बिलीफ है कि जनाब बाबा गुरु नानक की जो उनका जसद खाकी था वो डिसअपियर हो गया था और फिर उनकी कुछ बाकियात रह गई थी, चादर वगैरह, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 18 साल थे वो यहाँ पर गुजारे थे। तो मानने वाले इस नज़रिए के इस तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन ये मकाम यहाँ पर ज़्यादा है और इसका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है। 1947 जब ये लकीर खिंच गई, जब वहाँ भारत और यहाँ पाकिस्तान हो गया, तो दरियाए रावी के बाई इस तरफ का हिस्सा भारत और यहाँ पाकिस्तान, और जिसकी वजह से ये गुरुद्वारा भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये, आज से तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सब लोगों ने अपने तौर पर एक इनिशिएटिव लिया था। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी, हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 72 साल तारीख में पहली मर्तबा यहाँ के अफराद को अलाउ किया गया था कि वो लाइन क्रॉस करके यहाँ पर आ सकें और खुद इस गुरुद्वारे में जा सकें। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले यहाँ पर, चूंकि ये मैं अपनी आंख से देख सकता हूँ वो गुरुद्वारा, तो यहाँ पर बाकायदा एक मकाम जिसको दर्शन के नाम से वो ये कहते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा आप कह लीजिए कि दूरबीन के जरिए सिख हजरात सरहद के उस पार नज़ारा करते थे और अब भी करते हैं इस गुरुद्वारे का, लेकिन अब उनको ये फैसिलिटी है कि वो यहाँ पर फिजिकली आ सकते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वो अफराद हैं कि जो भारत से पाकिस्तान आए हैं, गुरुद्वारे में इन्होंने अपने तौर पे इबादत की है, शिरकत की है, ज़ियारत की है और उसके बाद अब ये भारत की साइड पे वापस जा रहे हैं। तो ये इस एतबार से बहुत इंटरेस्टिंग और दुनिया की तारीख के बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं कि जहाँ आप देख रहे हैं कि अब ये पाकिस्तानी सरहद से वापस भारत जा रहे हैं। ये एक डे लॉन्ग ही एक्टिविटी होती है, इससे ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं होती, तो ये इसी रस्ते से यहाँ पर आए हैं, फिर इन गाड़ियों के ज़रिए ये वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद इन्हीं गाड़ियों के ज़रिए वापस आते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इनको सवारियाँ, चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी साइड की सवारियाँ, वो इन उतार देती हैं, अब ये वहाँ पर गए हैं इंडियन साइड पर, जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये उन्हीं गाड़ियों में बैठने के बाद अब अपने अपने इलाकों को रवाना हो जाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, और एक सहाफत के स्टूडेंट की हैसियत से भी और आप लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग मकाम है। तो अब ये जर्नी आप हमारे साथ कीजिए। तो मसलन अब यहाँ से एक सिख यात्री आता है, उसको अपने कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, यानी कोई और या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसकी इंडियन नेशनैलिटी प्रूफ करता हो, और ऑफ कोर्स वो मतलब बिलीवर हो, यानी वो सिख हो या हिंदू, चूँकि हिंदूज भी उनका ज़ाहिर है अपना एक हो, लेकिन वो एक ख़ास नज़रिया रखते हैं इस हवाले से, तो उनको जो है वो अलाउ किया जाता है बिलीवर्स को यहाँ पे, और एक फ़ी है $20 की।
ये सारे मराइल के बाद सिख यात्री सरजमीन पाकिस्तान पर आता है और फिर उसके बाद ये इन गाड़ियों के ज़रिए वो जाते हैं बरास्ता करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारे की तरफ जाते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सो ये अब रोजाना की एक्टिविटी कोरोना की वजह से बंद हो गई थी, अब दोबारा इसका आगाज हो गया है? ये मार्च से बंद हुई थी, अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अच्छा ओके। और यहाँ पे जब कोई मिसल जब पहली तकरीब हुई थी जिस दिन आर्मी चीफ भी आए थे और इमरान खान साहब भी आए थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि बहुत ही मैसिव लेवल पे और दुनिया भर में आप इसकी कवरेज हो रही थी, वहाँ बॉर्डर के इस साइड से जो लोग आए उस दिन या अभी भी जाते हैं वो जनरली क्या कह रहे होते हैं, उनकी क्या ख्याल होते हैं? तो उनके ख्याल ये थे कि हमें बहुत खुशी हो रही है, पहले वो 4 किलोमीटर दूर बैठ के वो नज़ारा करते थे, इसको जो दर्शन पॉइंट कहते थे अपनी जबान में, अभी वो क्लोज चले गए, वो इसी रास्ते बहुत खुश हो रहे थे। ये सफ़र है और ये टू बी प्रिसाइज ये 4.5 किलोमीटर का ये सफ़र है जो कि बिल्कुल ही हमारे सात गुरुद्वारा साहब है और जहाँ पे यहाँ से आपको अगर हम दिखा सकें वो भारतीय परचम, यानी आप देखिए कितना करीब से आपको ये नज़र आ रहा है, यानी ये बिल्कुल ही एक बिल्कुल मुतसिल है सर। तो अभी आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारे से ये ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद ये भारत से आए हुए हमारे सारे दोस्त हैं जो कि अभी वापस जा रहे हैं अपने मुल्क। खैरियत से आप लोग जी? ठीक ठाक हैं। क्या नाम आपका? गुरसमन सिंह जी। तो क्या आज आप पहली मरतबा आए हैं? इससे पहले भी जी सर हैं? क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आए हैं, आनंद सुकून पूरा आया जी। ठीक है, ख्वाहिश थी आपकी जिंदगी में हमेशा के यहाँ पर? मेरी तो थी, मेरे पूर्वजों की भी थी। ठीक है, इतनी देर से अरदासें चल रही थी, सभी पूरे हुई है, फिर कोरोना में कोरोना महाकाल आया उसमें भी फिर से अरदासें फिर खुल गया है, बहुत बढ़िया लगा। इसका क्या बैकग्राउंड है? इसका बैकग्राउंड है कि 10वें पातशाह ने सिख को दिता। अच्छा ओके। कि गरीब गुरबे की रक्षा करनी, अपनी रक्षा करनी। क्या आपकी क्या फीलिंग रही जब आपने अब आप गुरुद्वारा विजिट किया गुरुद्वारा साहब के बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया वहाँ पे, अच्छा लगा। और आप इंडिया के किस शहर से हैं? हम पंजाब से हैं, इंडियन पंजाब से। सर आप लोग? मैं भी सर पंजाब। फर्स्ट टाइम आया अभी? फर्स्ट टाइम आया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, अंदर जो लोग थे वो भी बहुत फ्रेंडली थे, सबने मतलब अच्छा से बिहेव किया, सब बहुत मेहमान नवाजी ठीक किया, बहुत अच्छी अच्छे तरीके से रिसीव किया। सब फर्स्ट मीटिंग में इतना प्यार मिले कभी सोचा नहीं था, उससे बढ़ के लोगों के दिल मिले हुए हैं, दो दिल मिले हुए हैं, सारे इक्वल हैं। आप भारत में किस जगह से हैं? हम भारत में दिल्ली से हैं, तिलक नगर से। अच्छा, और अभी आप लोग तकरीबन सारा दिन यहाँ गुजारेंगे? अभी सारा दिन यहाँ गुजारेंगे, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, अच्छा। दरबार साहिब कल जाएंगे दिल्ली। चला जी ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत वधिया, जिन्ने भी पाकिस्तानी मिले ना सारे बहुत मिलनसार थे, दिल खुश हो गया मिलके। तो वहाँ जब आप जाएंगे, अभी भारत दोबारा जा रहे हैं, अब से कुछ मिनट बाद आप भारत में होंगे, तो वहाँ जब लोग आपसे पूछेंगे कि कैसा तजुर्बा रहा तो आप क्या बताएंगे? उन्होंने कहूंगे जरूर जाके आओ, जरूर जाओ, एक बार जरूर मिलके आओ। तो उससे पहले आपने ये सारा मंजर जो है गुरुद्वारा साहब का ये आपने दूरबीन की आंख से देखा है वो सरहद के उस पार, अब यहाँ आके जब देखते हैं तो सोना बनाया हुआ है। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़, चूँकि ज़ाहिर है हर किसी के अपने फिर वो मज़हबी अकायद और सब होते हैं, तो ये भी पता चला हमें कि कुछ यात्री होते हैं जो कि इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वो अकीदत के इज़हार के तौर पर यहाँ तक, यानी गुरुद्वारा साहब तक जहाँ भी हम जाएंगे आपको लेके, वहाँ पैदल जाना चाहते हैं, तो उनको वो भी अलाउ किया जाता है। यहाँ अभी मैं अगेन एक तारीखी मकाम पे मौजूद हूँ, हम आपको एक्चुअल प्लेस भी दिखाएंगे और यहाँ यादगार के तौर पे यहाँ आउटडोर ये एक नस्ब किया गया है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की यादगार के तौर पर, जो कि ज़ाहिर है इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने की थी। ये गुरुद्वारा जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और बाकी फिर इसकी अपनी और भी जुज़ियात और अपनी और तफसीलात भी हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। नानक से नगरी नु दित्ता वहदत दा पैगाम, आपको इमिग्रेशन काउंटर की तरफ लेके चलते हैं ताकि आपको इसका अंदाजा हो सके कि जब वो सिख यात्री आते हैं तो वो एग्जैक्टली किस मकाम पे किस प्रोसेस से गुजर के उसके बाद फिर
गुरुद्वारा साहब की तरफ जा रहे होते हैं। आपको ये भी याद दिलाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई है स्टेट लेवल पे, उसमें पाकिस्तान एक दिन में 5,000 सिख यात्रियों को फैसिलिटेट कर सकता है। कहा यह जाता है कि वहाँ पर अभी भी उस अंदाज़ की फैसिलिटेशन गवर्नमेंट लेवल पर नहीं है, जिसकी वजह से आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन जितने लोग आना चाहते हैं वो उस अंदाज़ से नहीं आ पाते। तो ये इमिग्रेशन के यहाँ पर, जिस तरह आप किसी भी एयरपोर्ट में हमारे काउंटर्स देखते हैं, यहाँ पर लाइन से ये इमिग्रेशन काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर वो यात्री आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम पासपोर्ट चेक करते हैं, वो $20 की रसीद चेक करते हैं। तो यहाँ हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसके लिए ये फिंगरप्रिंट पड़ा हुआ है, देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी इंडियन साइड से जो आए हैं उनके पास पासपोर्ट होना जरूरी तो नहीं होता? पासपोर्ट होता है उनके पास जी, और बैंक रसीद होती है बाकी वो। लेकिन आप लोग पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं करते एक्सीडेंट? नहीं नहीं, वो जो $20 की जो रसीद है ना उसके बैक पे हम स्टैंप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब वो यहाँ से एंटर होते हैं कि सारा प्रोसेस क्लियर करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर बसेस उनकी मुंतजर होती हैं। जो लोग बसेस से जाना चाहें या जो लोग पैदल जाना चाहें वो पैदल जाते हैं गुरुद्वारा साहब की तरफ। ये यात्रियों को एक कार्ड भी एक इशू कर दिया जाता है विच सेज यात्री। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये जो यहाँ पे यात्री लिखा हुआ है, तो ये जो यात्री हजरात होते हैं उनको इस तरह का, जब हम आए तो हमें विजिटर का कार्ड इशू किया गया और यात्री हजरात को इस तरह का एक यात्री का कार्ड इशू कर दिया जाता है जो कि वहाँ पर भी अपने अपने साथ जो कैरी करते हैं। इस तरीके से यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद आपको मेरे रकम में अगर बसेस नज़र आ रही हो तो इन बसेस के जरिए गुरुद्वारा साहब तक जाते हैं। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। क्या नाम क्या आपका? बलकार सिंह। पाकिस्तान कितनी मरतबा आए? पहली बार आया। आज पहली बार आए? पहली बार आया। तो अब दोबारा आने का दिल करेगा? करेगा। हाँ जी, जरूर जरूर जी जरूर। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया है कि जनाब सिख की मजहब का एहतराम में और सिख यात्रियों के एहतराम में ये गुरुद्वारा साहब के लिए खोल दिया। कैसा स्टेप है? बहुत बढ़िया, इससे बड़ा कोई भी ना। आती रहेंगी यहाँ पे इंशाल्लाह और मालिक लंदा रहे। हाँ, पाकिस्तान के लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई कोई पैगाम कोई बात? बहुत अच्छे ने यहाँ सब लोगों ने इज्जत एहतराम से आपको मजा बढ़िया लग गया। बहुत अच्छा लग गया। इंडिया के किस इलाके से आप? हम डेरा बाबा नानक के नजदीक। डेरा बाबा नानक जो है वो बिल्कुल यहाँ से, जो हमने आपको बॉर्डर दिखाया था उससे लिटरली 1.5 किलोमीटर के फासले पर इंडियन गांव है और ये वहीं से आए। उसके नजदीक ही हमारा गांव है। हाँ, शिकार मासी है। अच्छा, ओके। और वो तो ये जो डेरा बाबा नानक है ये भी यानी बाबा जी के ही नाम पर? हाँ जी, हाँ जी, गुरु नानक देव जी नाम। गुरु नानक जी जिनका जाहिर है जिन्होंने अपने आखिरी 18 साल गुजारे उन्हीं के नाम पर इंडियन जो टेरिटरी है जो 1.5 किलोमीटर दूर है वो है। तो आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए तो आना जाना बड़ा आसान। हाँ जी, हाँ जी। पहले आप लोग वो आपने कभी जब यहाँ आना जाना अलाउ नहीं था 2 साल पहले? हाँ जी। तब दूरबीन के जरिए देखते थे? हाँ जी, हाँ जी, हम दूरबीन के जरिए देखते, जो हमारे रिश्तेदार आते थे उसको भी जो दूरबीन के जरिए दिखाते थे। पहली बार आए पाकिस्तान? हाँ जी, पहली बार आए हैं। तो वहाँ जाके जब आपके दोस्त यार आपसे पूछेंगे कि कैसा रहा तो क्या बताएंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब वेलकमिंग थे, स्टाफ भी वेलकमिंग है, इमिग्रेशन वेलकमिंग है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। और वहाँ जाएं तो सब लोगों को हमारा बहुत प्यार और बहुत सलाम दीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें देखिए आप इस एज से लेके यानी कि बुजुर्गों से लेके आपको नौजवान तक हर तबके के लोग, हर एज ग्रुप के लोग नज़र आ रहे हैं। तो अब ये इन बसों से वापस आएँ, हम इन बस से, इस बस से जा रहे हैं। ये बस से तकरीबन 4-5 मिनट का रास्ता तकरीबन, क्योंकि इतना ही रास्ता ये तय करने के बाद जब आप यहाँ उतरते हैं, इंडियन यात्री यहाँ पे उतरते हैं, इस मकाम को दर्शन देवड़ी कहा जाता है। आप यहीं से एंटर होते हैं, इसे एग्जिट आकर दिखा भी सकें। तो ये देखें, ये बस में अब वापस जा रहे हैं सिख यात्री मुकम्मल करने के बाद, अब वापस जा रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है, खैरियत से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया। लुत्फ आया है? बहुत मजा आया। अच्छा लगा जी माँ जी? बहुत बढ़िया लगा, दिल खुश हो गया। अच्छा, ये पाकिस्तान ने ठीक काम किया ये सारे सिख यात्रियों के लिए? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी मतलब अगर कोई सेवादार है या कोई पुलिस में है या कोई भी रेंजर्स जो भी मतलब आपकी यहाँ पे ड्यूटी है जिनकी लगी, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, वापस जाने का मन नहीं कर रहा। क्या बात है। पर क्या है कि एक वो कानूनी जो जाना पड़ेगा, मन खुश हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया जी। बहुत सारे ने बहुत वधिया खातिरदारी की, बड़ी सेवा, बहुत सोने लोग ने, बहुत इतना प्यार मिला ना कि सच में अब जाने का मन नहीं कर रहा। बस टाइम थोड़ा मिला यहाँ पे, बट लेकिन आप दोबारा भी आ सकते हैं? जरूर आएंगे। वो बढ़िया जी, कोई सर उपरा लगा ही नहीं है चढ़ा के जी। अच्छा जी, हाँ जी, हम चौथी बार आए हैं यहाँ। अरे वाह वाह वाह। पहले हम वीजा लेके पूरे ननकाना साहब, पंजा साहब, सारे गुरुद्वारे होके आए थे। लास्ट ईयर हम आए तो ये बन रहा था सारा कॉरिडोर। बसेस से उतरने के बाद ये वो साइड है कि जहाँ से इंडियन सिख यात्री
इस मकाम से अगर हम आपको दिखा भी सकें जो उनको मखसूस कार्ड दिया जाता है या जो भी चीज़ें, ये पर्टिकुलरली यहाँ से जहाँ ऑफिसर बैठे होते हैं और इस जगह को क्रॉस करके फिर इंडियन यात्री गुरुद्वारा साहब जाते हैं। हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो करना है, हम इंडियन साइड से नहीं, हम पाकिस्तानी साइड से, इसलिए हमने आपको ये जगह दिखा दी है, लेकिन हम वो वापस जाएंगे और जहाँ से पाकिस्तानी साइड से लोग एंटर होते हैं हम आपको वहाँ से जाके दिखाएंगे। इंडियन यहाँ से एंटर होते हैं, अब हम वहाँ से दिखा देंगे। पाकिस्तान की साइड के जो यात्री हैं या जो विजिटर्स हैं, शाम 4 बजे तक पाकिस्तान की साइड से विजिटर्स आ सकते हैं और गुरुद्वारा साहब को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो सिख हजरात या हिंदू हजरात, चूँकि हिंदुओं में भी जो कुछ लोग बाबा जी को बहुत ही काबिल एहतराम और उस अंदाज से मानते हैं, उनको नाम लेवा के टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, तो पाकिस्तान साइड से जो हिंदू या सिख हजरात यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए गुरुद्वारा साहब 24 घंटे खुला हुआ होता है और वो 24 घंटे यहाँ पर आ सकते हैं और आते हैं। तो हम अभी उसी साइड से एंटर हो रहे हैं जहाँ से पाकिस्तान के विजिटर्स या जो बिलीवर्स हैं जो पाकिस्तान साइड से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाते हैं। और आपने वो दर्शन देवड़ी देखी थी वो इंडियन साइड की थी, और ये दर्शन देवड़ी, दर्शन देखना देवड़ी वेटिंग एरिया आप जानते हैं आप सब, तो ये पाकिस्तानी जो विजिटर्स या जायरीन जिनको हम यात्री कहते हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो इस मकाम से एंटर होते हैं। जी जनाब, तो ये अब हम गुरुद्वारे की इमारत के इहाते के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये आपको अगर हुलिये में जो तब्दीली नज़र आ रही है, जब हम दाखिल हुए हैं तो वहाँ पर हिदायत भी दर्ज हैं क्योंकि जो सिख हजरात हैं वो इस मकाम के तकद्दस की वजह से, ये उनके यहाँ एक रीत है या बल्कि लाजिम है कि न सिर्फ ये कि जूते उतार दिए जाएँ बल्कि सॉक्स भी उतार दिए जाएँ, तो यहाँ पर सब नंगे पैर होते हैं, यहाँ पर सर को ढाँप के रखना ये भी वो बड़ा लाजिम तसव्वुर करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो अपने सर को भी ढाँप लेते हैं, और ये काम अभी हमने भी किया है। तो ये अब आपको लिए चलते हैं यानी उस मकाम पर कि जहाँ से जब इंडियन यात्री या पाकिस्तानी के विजिटर्स या पाकिस्तान के यात्री उन तमाम तर मराहिल से गुजरने के बाद जो कि मैंने आपको दिखाया, उसके बाद असल मकसद असल हदफ यहाँ पहुँचना होता है। तो ये वो मकाम है कि जो मज़हबी एतबार से, तारीखी एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से ये एक बहुत ही अहम विजुअल है जो कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये है इस मकाम के अंदर, इस मरकज़ी इमारत के अंदर जो सिख मज़हब के बानी हैं उनके हवाले से कुछ यादगार चीज़ें हैं। सिख अकीदे के मुताबिक बाबा गुरु नानक और ये यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं सारी आप समझ लीजिए तकरीबन आज से 500 सदियों पुरानी, यानी 500 साल से, यानी कहा जाता है कि वो जो बाबा गुरु नानक थे जो सिख मज़हब के बानी थे उन्होंने यहाँ पर ये बुनियाद रखी तकरीबन 500 साल पहले, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल यहाँ पर गुजारे। सिख अकीदे के मुताबिक जब उनका बिल्कुल आखिरी वक्त था तो उनकी जो बॉडी थी, जो उनका जसद था वो डिसअपियर हो गया, दो चीज़ें रह गईं, एक उनकी चादर रह गई और एक कुछ फूल रह गए। मुसलमान जैसे अकीदे के मुताबिक कि मुसलमान और हिंदू, चूँकि उस वक्त सिख मज़हब उस अंदाज से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लेकिन जो हिंदू हजरात थे वो भी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे बाबा गुरु नानक जी को, और मुसलमान भी ये सिख अकीदे के मुताबिक। तो वो ये कहते हैं कि जब आखिरी वक्त था उनका तो बॉडी डिसअपियर हो गई और ये बाकियात रह गई, यानी कि चादर और फूल रह गए कि जिनको मुसलमानों ने अपने अकीदे के मुताबिक दफना दिया और सिखों ने अपने अकीदे के मुताबिक उसको जला दिया, जिसको वो एक संस्कार जो टर्म जो यूज़ करते हैं वो किया। और ये दोनों जो जिन मकामात पर ये दोनों चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से ये बहुत ही उनके लिए तकद्दस वाली और एहतराम वाली जगह है। पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वरगी। ये जो इमारत है ये 1920 की तामीर शुदा है, ये जो स्ट्रक्चर है और जिसके अतराफ का जो सारे का सारा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हालिया तारीख में, यानी कि जब इमरान खान साहब ने ये सारा सिलसिला शुरू किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले, ये तब बना था। इस इलाके का ज़ाहिर तो यानी ये इलाके का नाम करतारपुर है, ये गुरुद्वारा है जो कि सिखों की इबादतगाह को कहते हैं, ये बाबा गुरु नानक या दरबार साहब हैं यानी कि जो सिख मज़हब के जो बानी हैं इन्होंने जहाँ पर आखिरी साल गुजारे, और जो इलाके का नाम है
करतारपुर, ये भी बाबा गुरु नानक ने ही ये नाम रखा। और अभी आपको अहाते के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ के आपको मनाजिर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस अहाते से मुतालिक आपको दो तीन चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पर इस अहाते में खासे फासले से, चूँकि बहुत बड़ी जगह है, बताया जाता है कि उनके उनकी मिल्कियत में तकरीबन 162 एकड़ के करीब का रकबा था। तो बहरहाल यहाँ पर तीन कुएँ हैं, एक वहाँ वो अकब में है मेरे, एक दूसरी तरफ है। इन हर कुएँ की अपनी अलग एक दास्तान यहाँ पर बयान की जाती है कि मसलन इस तरफ जो मेरे अकब में जो कुआँ है वो है कि जहाँ गुरु नानक साहब जो मुसाफिरों वगैरह को उससे पानी पिलाते थे और उनकी खिदमत उससे किया करते थे। उस तरफ जो एक और कुआँ है वहाँ वो अपने अहले खाना को पानी वगैरह पिलाने के लिए वो कुआँ इस्तेमाल करते थे सिख नज़रिए और अकीदे के मुताबिक। और जो तीसरा कुआँ है ये इस तरफ है, इसकी अपनी एक और दास्तान भी है जो कि बहुत दिलचस्प है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कुआँ भी और इस कुएँ के साथ एक यादगार भी है। ये वो कुआँ है जिसके बारे में बयान किया जाता है कि ये गुरु नानक साहब ने ख़ुद अपने हाथों से तामीर किया था। तो यहाँ से जब आप गुज़रते हैं तो आप ये पानी से होते हुए गुज़रते हैं, और इस कुएँ के बारे में कहा जाता है कि ये उन्होंने ख़ुद ये कुआँ बनाया था। और बहुत दिलचस्प एक फैक्ट है, अब बताया ये जाता है कि इसी कुएं से मुत्तसिल एक और मकाम है। 1971 की जब पाक भारत जब जंग छिड़ी हुई थी तो इसी मकाम से मुतालिक, और अभी आपको वो जगह हम दिखाते भी हैं, बताया जाता है कि इंडिया ने बम के ज़रिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी इस टेरिटरी को, और वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया था, वो अटैम्प्ट कामयाब नहीं हो सका था। सिख नज़रिए के मुताबिक ये सिर्फ मुमकिन हो पाया उनके मुताबिक गुरु नानक साहब की यानी करामात की वजह से, वो ये कहते हैं। लेकिन तो उसमें ज़ाहिर है हर एक अपना अपना एक बिलीफ है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन के लिए इस इलाके को जब खोदा गया या जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज आई तो उन्होंने दे एक्चुअली फाउंड अ डिफ्यूज बॉम्ब हेयर, और फिर उसको बाकायदा यहाँ पर प्रिजर्व भी कर लिया गया है। तो ये अगर आप देख सकें तो ये वो डिफ्यूज्ड बॉम्ब है जो कि 1971 की जंग में जिसको यहाँ पर चला के इस टेरिटरी को तबाह करने की कोशिश की गई थी, और इस बॉम्ब को यहाँ पर अभी डिफ्यूज हालत में यहाँ रखा गया है। और साथ ही यहाँ पर एक तहरीर भी है, वो ये कहते हैं कि ये गोला बम इंडियन एयरफोर्स ने 1971 में गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब को तबाह करने के लिए फेंका था, कि ख़ास रहमत के सदक़े ये गोला मुकद्दस कुआं ने, जो हमने आपको दिखाया, ने अपनी गोद में ले लिया और गुरुद्वारा श्री दरबार साहब मज़ार साहब समाज साहब को तबाह होने से बचा लिया। मज़ार साहब यानी कि वो जगह के जहाँ पर मुसलमानों ने उनकी जो चादर और फूल वगैरह थे वो दफना दिए थे, समाज साहब यानी कि वो जगह जहाँ पर हिंदुओं ने उनकी चादर और फूल को जला के वहाँ पर प्रिजर्व कर लिया था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये वो मुकद्दस कुआँ है कि जिससे गुरु नानक देव जी महाराज अपने खेतों को सैराब किया करते थे, ये इसी कुएँ से मुतालिक ये बात हो रही है। तो ये है गुरुद्वारा साहब में इन तीन कुओं की दास्तान। अब आपको हम जरा आगे कुछ और बहुत दिलचस्प और तारीखी और मजहबी मकामात दिखाते हैं, आइए। कलाम नानक से नगरी ये वो मकाम है जो मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज़ किया था कि जहाँ मुसलमानों ने यानी आप इस पे तहरीर भी आप जो लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं कि इस मुकद्दस मकाम पर श्री गुरु नानक देव जी के फूल और चादर को तदफीन किया गया है। जैसा मैंने बताया कि इनका ये बिलीव है कि आखिरी लम्हात में उनकी बॉडी डिसअपियर हो गई थी, फूल और चादर रह गए थे जिसको हिंदुओं ने उस वक्त के हिंदुओं ने और उस वक्त के मुसलमानों ने डिवाइड कर लिया था, इसलिए कि दोनों के नज़दीक वो काबिले एहतराम थे। तो मुसलमानों ने अपने अंदाज से दफन किया, हिंदुओं ने जला दिया, तो मुसलमानों ने जिस मकाम पर तदफीन की वो ये है, और आप ये तहरीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ दैट सेक्रेट प्लेस वेयर फ्लावर्स एंड क्लॉथ ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी महाराज वर बरेड। तो ये वो मखसूस मकाम है। अंदर जाने से पहले आपको हम ये मकाम भी दिखाते हैं, ये आपको एक बहुत एक तवील अलकामत एक निशान नज़र आ रहा होगा, और इसके बिल्कुल ऊपर एक अलामती तौर पे एक चीज़ नस्ब है। ये इस चीज़ की अलामत होती है, जब ये चीज़ नस्ब होती है, इस चीज़ की अलामत होती है कि गुरुद्वारा इस वक्त खुला हुआ है और ज़ायरीन की आमद के लिए गुरुद्वारा खुला है, और यहाँ पर ज़ायरीन के क़याम ताम का सिलसिला अभी जारी है। और जब वो निशान नस्ब ना हो तो फिर इस बात की अलामत होती है कि गुरुद्वारा इस वक्त बंद है। ये हम दाखिल हो गए इस मरकज़ी इमारत में, और यहाँ पे ज़ायरीन भी मौजूद हैं। आपने वो जगह देखी थी, अब ये जगह देखें, और इसकी पहले तहरीर अगर मैं आपको
पढ़ के सुना दूँ तो वो कहते हैं कि ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के फूल और चादर को संस्कार किया गया है, यानी कि इनके अपने तरीके के मुताबिक जो जलाया उस वक्त के हिंदुओं ने. दिस इज़ दैट सीक्रेट प्लेस वेयर फ्लावर्स एंड क्लोथ ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी महाराज वर क्रिमेटेड. तो ये वो मकाम है जिसमें आप देख रहे हैं अपने बहुत रिवायती अंदाज में, इसको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो इस मकाम को देखते हैं जिस अंदाज से अभी ये अपने तौर पर ज़्यारत कर रही हैं. तो जिस तरह हमने आपको बताया था कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर संस्कार किया गया, यानी कि जला दिया गया जो उनकी अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक बाबा गुरु नानक की चादर को और फूलों को. आपको अंदर लिए चलते हैं. ये मरकज़ी यानी एक तरीके से इबादतगाह में लग रही है, पालकी कहते हैं इस मकाम को. तो अभी आप अंदर देखेंगे कि एक कपड़े में उसको ढापा हुआ है, उसकी तरफ मुंह करके सब इबादत अपने तौर पे कर रहे होते हैं. ये इनके मखसूस औकात होते हैं इबादत के, और जब वो इबादत के औकातकार नहीं होते उस वक्त वो इस फिर किताब को ले जाके एक रेस्ट एरिया में रख देते हैं. इस वक्त हम यहाँ इस सारे गुरुद्वारे में हमें जो एक मरकज़ी मकाम लगा कि जहाँ हमने देखा कि इबादत भी हो रही थी और बाबा गुरु नानक साहब की आप जानते हैं 552वीं सालगिरह की तकरीबात के उनवान से भी इस पूरे हफ्ते में जो है वो इंडियंस भी आए बहुत सारे और सब आते रहे. तो हमने इस हवाले से हमने चाहा कि ज़रा इस मकाम के बारे में और इसकी ज़रा हिस्ट्री के बारे में करतारपुर से मुतालिक और बाबा गुरु नानक साहब के हवाले से. हमारे साथ इस वक्त सरदार गोविंद सिंह साहब मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हो जी वसीम साहब, कैसे हैं? अल्लाह बिल्कुल ठीक, मैं अल्लाह का शुक्र है. थोड़ा सा अगर मैं इनलाइटन कर सकें, जिस तरह आप यहाँ पे या आपका जो उदय वो कहलाता है हेड ग्रंथी जी, मैं यहाँ पे हेड ग्रंथी हूँ जी. और ज़रा अगर मैं बाबा गुरु नानक साहब के हवाले से अगर कुछ हिस्ट्री बता सकें, यानी इस मकाम से मुतालिक क्या क्या रेलेवेंस और क्या इंपॉर्टेंस है. इस मुकाम का पूरा नाम है गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब. हिस्ट्री के मुताबिक 1521 में बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज पहली दफ़ा इस मुकाम पे आए. बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज की विलादत उनका प्रकाश 1469 ननकाना साहब में हुआ. गुरु नानक देव जी महाराज की उनकी पैदाइश का मकाम भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और आखिरी 18 साल भी पाकिस्तान में, और आखिरी मुकाम भी करतारपुर साहब पाकिस्तान में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं. ठीक. बाबा जी ने अपनी जिंदगी के 52 साल दुनिया के चक्कर में लगाए, जिसको हम बोलते हैं चार उदासियां, कि चार दफ़ा बाबा जी सफ़र पे गए और 52 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद 1521 में पहली दफ़ा इस मुकाम पे आए. बाबा जी को ये धरती, ये ज़मीन, यहाँ के लोग अच्छे लगे, ये धरती अच्छी लगी, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पकाया जो टाइम था यहाँ पे स्पेंड करने का फैसला कर लिया. तो फिर बाबा जी ने इस जंगल को, इस दरिया रावी के किनारे को करतारपुर साहब के नाम से पहचान दी. और 22 सितंबर 1527 इसी मुकाम पे बाबा जी ज्योति जोत समाए. ज्योति जोत हम कहते हैं सिख मज़हब में. बाबा जी दुनिया से रुखसत हुए, पर्दा पोश हुए. करतारपुर साहब जहाँ पे एक इबादत गाह है, वहाँ पे एक इंटरफेथ की एग्जांपल भी है. ये हमारी मेन इबादत गाह है, हमारी वर्शिप प्लेस है. इस पूरे हाल को हम बोलते हैं दीवान स्थान. तो दीवान स्थान का मतलब है कि गुरु साहब जी का, बादशाह का दीवान लगा हुआ है. जो सिख यहाँ पे बैठा है वो यही सोच लेकर बैठा है कि मैं अपने जिंदा गुरु साहब की हजूरी में बैठा हूँ. सिख मजहब के इंसानी रूप में टोटल 10 गुरु साहब बन गुजरे हैं. पहले गुरु नानक साहब जिनके मुकाम पे बैठे हुए हैं, 10वें और आखिरी गुरु साहब थे गुरु गोबिंद सिंह जी. और ये रोजाना इबादत होती है सिख मजहब में. 2 इबादत के टाइम है जी. पहला टाइम सुबह तहज्जुद टाइम से लेकर उसको हम अमृत वेला बोलते हैं. 2:30 बजे के बाद, 2:30 के बाद हमारा अमृत वेला शुरू हो जाता है, तब से लेके सूरज निकलने तक. और सेकंड टाइम मगरब के फौरन बाद. ये 2 टाइम है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. ये वो मकाम है, ये हर गुरुद्वारे में ये इस तरह का एक मकाम मौजूद होता है जो मुकद्दस किताब है सिख हजरात की. तो जो इनके दिन की आखिरी फ़र्ज़ इबादत होती है उसके बाद वो
अपनी उस किताब को उस जगह से पालकी से जो मैंने आपको दिखाई भी थी वहाँ से फिर उठाकर यहाँ ला के उसको नस्ब कर देते हैं, क्योंकि इनका नज़रिया ये है कि वो एक लिविंग थिंग है, तो उनके नज़रिए के मुताबिक फिर वो यहाँ लाने का के पीछे उनकी मंतिकी होती है कि अब वो मतलब आराम फरमा रहे हैं। तो सुखासन स्थान इसको कहते हैं, रेस्ट प्लेस, रेस्ट एरिया, और वो इसी इस तरह की जगह हर गुरुद्वारे में मौजूद होती है। ये मेरे अकबर में वो मकाम है कि जहाँ से तारीख बदली थी यहाँ पर वो तकरीब हुई थी कि जो गवर्नमेंट ने और स्टेट ने जो फैसला किया उसके बाद यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यहाँ से ख़िताब किया था और वो सारे यात्री और सारे मेहमान यहाँ पर बैठे थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करता हूँ कि आप अगर यहाँ पर देखें इस गुरुद्वारे को, अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो ये तीन अतराफ़ से, ये चारों अतराफ़ से नहीं बल्कि तीन अतराफ़ से ये कवर्ड है, और ये मेरे अकब में कोई दीवार और कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हमने आपको इस प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि किस अंदाज से पहले जब सिख यात्री अलाउड नहीं थे पाकिस्तान आने के लिए तो वो दूरबीन के ज़रिए इसका नज़ारा करते थे गुरुद्वारा साहब का, और अभी भी ये प्रैक्टिस जारी है क्योंकि कुछ सिख यात्री अभी भी कभी कुछ वजूहत की बिना पर नहीं आ सकते, या अगर किसी की ख्वाहिश हो कि बार बार ये नज़ारा कर सके क्योंकि उनकी नज़र में ये दुनिया का सबसे मुक़द्दस नज़ारा है। वहाँ से दरख्वास्त की गई थी कि अगर यहाँ पर कोई दीवार वगैरह की तामीर होती है तो हम गुरुद्वारा साहब का नज़ारा नहीं कर सकेंगे। गुरुद्वारा ऐन इस वक्त मेरे सामने है और वहाँ पीछे दूरबीन नस्ब है के जहाँ से इसका फिर नज़ारा किया जाता है। ये लंगर खाना है ऐसी गुरुद्वारे के हाथे में, गुरु का लंगर इसे कहते हैं। आए आपको ये भी दिखाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पाकिस्तान और ये यानी एक बोर्ड बना हुआ है, तो उनकी तरफ से ये यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर ये लंगर खाने में खाने का भी अहतमाम होता है। जनाब बाबा गुरु नानक साहब की 552वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ पर जो तकारीब जा रही थी उसको ज़हन में रखते हुए हमने सोचा कि एक अच्छा मौका है कि आपको ज़रा इस सारे तारीखी सफ़र से हालिया तारीख में जो हुआ है और जो कि एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उससे ज़रा आपको हम ज़रा ख़ुद भी रोशनास हों, आपके साथ भी शेयर करें इस इंटरेस्टिंग जर्नी को, क्योंकि ये दुनिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि जहाँ पर एक इबादतगाह है जिसके पैरोकार जो है वो उस मुल्क में कम है बल्कि बहुत ही कम है निस्बतन, और जो साथी मुल्क है उसमें बहुत ज़्यादा है निस्बतन। दोनों मुल्कों की अपनी एक हिस्ट्री है लेकिन उस मुल्क में एक जेस्चर शो करते हुए दूसरे मुल्क को या मुखालिफ मुल्क को यहाँ पर के लोगों को यहाँ पर आना अलाउ किया, और फिर ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, फिर उनके अपने रिचुअल्स क्या हैं, ये सारे के सारे आपसे शेयर करें। यह हमने इस आज के इस पूरे दिन में, इस पूरे सफ़र में आपके साथ इस सारी दास्तान के बहुत सारे दिलचस्प तारीखी मजहबी और समाजी हवाले शेयर किए, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये जो इमारत है और ये जो यहाँ पर रौनक है और ये जो यहाँ पर 24 घंटे अब लोग आ रहे हैं और एक सिलसिला जारी है, पाकिस्तानी जो इस नज़रिए के मानने वाले उनको 24 घंटे अलावा कि वो यहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकते हैं यात्री की सूरत में, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कि किस तरीके से इस मुल्क में आवाम की सतह पर, रियासत की सतह पर और हुकूमत की सतह पर जो दूसरे नज़रियात हैं या मज़ाहिब हैं या अकायद हैं उनका एहतराम किया जाता है, और किस तरीके से एक मुल्क के जिसके एक हिस्ट्री भी आपके सामने है और हालिया तारीख में भी जिनके इकदाम किस अंदाज के रहे हैं, ये मौका नहीं है इस पर ज़्यादा बहस करने का लेकिन वो सब आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद किस अंदाज से अमलन अमन का जेस्चर दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और रियासत ने। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आप लोगों से अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।